बिलासपुर जिले में कोटा के पास ग्राम भैंसाझार के जंगलों में आजकल वन माफियाओं का आतंक छाया हुआ है। भैंसाझार के जंगलों से वन विकास निगम के अधिकारियों ने मुखबिर की सूचना पर इमारती लकड़ी के गोलों को ट्रैक्टर में क्रेन पेडलर के माध्यम से भरते हुए पकड़ा। इमारती लकड़ियों के साथ दोनों वाहनों के ड्राइवरों को भी पकड़ा गया। इस मौके पर किसी ने भी लकड़ी तस्कर के पकड़े जाने की बात वन विकास निगम के अधिकारी नहीं बता रहे हैं, जिससे मामला संदेहास्पद हो गया है। मामले की जांच में आए डिप्टी डीएम चुनेश्वरी शिंदे ने ग्रामीणों ने डिप्टी रेंजर की शिकायत की, जिस पर डीएम चुनेश्वरी शिंदे और रेंजर शंता कश्यप ने रेंजर को डांट फटकार लगाई। जो मिला है कार्रवाई आगे कर रहे हैं। मौके पे देखो 5 साल के मिले हैं, जो 150 है ना। तो किस क्षेत्र पाए गए मैम? ये बछेली बीच है ना, आरएफ एरिया, एक तो आरक्षित एरिया में आता है। क्या पाया गया वहाँ पे, कितना है गोला है, किस लिए काटा गया, क्या? ये लो जैत खाम के नाम से मस्तूरी गांव है, वहाँ के कुटेला गांव से आते हैं, तो धार्मिक काम है करके ये लोग 5 जैत खाम के लिए काट लिए, 5 मिला हमको तो मौके पे। गाड़ियाँ कौन कौन सी जब्त बनाई की? गाड़ी अब ये 2 गाड़ी मौके पे मिली है तो इनको हम जब्त कर रहे हैं। कौन कौन सी गाड़ी? हाँ, एक ये है पीछे है, ट्रेलर है ना, और एक गाड़ी है सामने जो पोकलेन है। आप लोगों द्वारा आगे क्या कर रहे हैं? हाँ, आगे कार्रवाई तो की जाएगी भाई, जो अपराध है वन भाई, परमिशन लेना था है ना। इनका कहना है गांव वाले अज्ञानतावश, हम तो DFO कार्यालय में गए थे, वहाँ से जानकारी मतलब पावती वो लिए हैं, ठीक है, एप्लीकेशन दे के अनुमति लिए हैं। अब इनको गांव वाले को नहीं पता है कि वो सील लगा है, पावती मिला है, ये सोच रहे हैं कि हमको परमिशन मिल चुका है करके। हाँ, हमको लेटर दिखा रहे, परमिशन मिला है DFO सर का सील लगा है करके, फिर हम उनको बताएं कि नहीं वो सील नहीं होता भाई, वो तो पावती होता है। तो क्या कार्रवाई की जा रही है, किसको किसको गिरफ्तार किया गया, क्या है अभी कुछ? गिरफ्तार तो देखो वन ड्राइवर तो तुरंत, ड्राइवर था साथ में, ऐसा भागने वाली बात नहीं थी, फिर तुरंत दोनों गाड़ी के जो मालिक है ना वो लोग तुरंत आ गए। कहाँ के हैं मैडम ये लोग? ये इन लोग कहाँ के गाँव बताए? बिलासपुर के तो है प्रॉपर, पर मालिक वाले आ गए, उनको बोले कि देखो मैडम हम लोग से बोला गया कि पूरे गाँव वाले हैं समूह, धार्मिक कार्यों के लिए है। कहाँ ले जाए जा रही थी लकड़ी इनकी? मस्तूरी, वही कुटेला गाँव में। तो अभी ड्राइवर लोग सिर्फ गिरफ्तार हुए हैं, बाकी और कोई नहीं हुआ? नहीं, गांव वाले पूरे समूह में आ गए ना, वो किसी का नाम नहीं बता रहे हैं। तो अभी कितने लोग आपके अंदर में अभी गिरफ्तारी में है? देखो नाम तो हमने लिखे हैं, कम से कम 29 लोग का नाम लिखे हैं गांव वाले का, बट उसमें से एक भी, जैसे कि शुरू में सरपंच भी बोल रहा था मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ, सरपंच प्रतिनिधि, हमने बोला मौके में किनको पाया गया? हाँ, सरपंच प्रति मौके में तो सारे वही बोल रहे ना, पूरे गाँव के थे, उन सब का नाम लिखे हैं, वही है अभी अंदर में, आगे की कार्रवाई करते हैं।